हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल देवी गांधी आर्ट्स। आज कोई ड्राइंग वीडियो या कोई ट्यूटोरियल नहीं है। आज बस खाली मैंने जो ड्राइंग मटेरियल्स ऑफलाइन बाय किए उसका मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ। तो मैं अपना पर्सनल रिव्यू करने वाला हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है, और मैंने अभी तक वो यूज़ नहीं किया था, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आपके साथ साथ मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही होने वाला है। और वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरे चैनल पे आपको बस खाली आर्ट के टाइम लैप्स वीडियोस, ड्राइंग वीडियोस, ट्यूटोरियल्स ये सब भी मिलेगा। आप इंटरेस्टेड हो अगर इस चीज में तो जल्दी से वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के ग्रे कलर का सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। तो शुरू करते हैं। ये सब प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैंने ऑफलाइन लिए, और मैंने बोरीवली से अनुपम स्टेशनरी से लिया। तो अगर आप महाराष्ट्र में मुंबई में रहते हो और आपको अच्छे रेट में चाहिए तो आप यहाँ पे जाके चेकअप कर सकते हो। यहाँ पे रीजनेबल प्राइस में मिले आपको। मैंने दो आर्ट लाइन के पैक ऑफ सिक्स का पैकेट लिया है, और एक फिक्सेटिव थे, एक नीडेड इरेजर, और ये जो है इंटरनिंग शेलर्स, और ये जो है वो ब्लेंडिंग शब्स है, पैक ऑफ सिक्स के है, और एक नॉर्मल आर्ट एंड क्राफ्ट कटर खराब हो गया था पहले, एक ब्लू स्ट्रो का ड्रॉइंग पेपर है, 200 GS है ये। फर्स्ट चीज यहाँ पे हम आर्ट लाइन देखेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग सिंपल है बहुत, इनको शेयर कर देता हूँ। 6 पेंसिल्स है HB से लेके 10B तक, पहले से ही शार्प क्यों ही आती है, बाकी ब्रांड में शायद कैमलिन में तो नहीं आती है इसका, ये थोड़ा अच्छा है। तो ये वाले जो पेंसिल है वो मैंने एक किट लिया था, तभी मुझे इतना नॉलेज नहीं था। तो ये जो पेंसिल है बहुत, मतलब बहुत गंदी बोल सकते हैं। वो एक छोटी दिख रही होगी आपको पेंसिल्स, तो वो देखो मैंने यूज़ ही नहीं किया, इतने शार्प करते करते टूट गए। जो बीच में जो मेरी कैमलिन के पेंसिल्स है वो थोड़ी अच्छी है, और मैंने उसको बहुत, मतलब अच्छे से यूज़ किया था तो मुझे अच्छा रिजल्ट्स मिला उसका। तो अभी हम सभी पेंसिल्स को कंपेयर करके देखेंगे कौन से अच्छा है ज़्यादा। आप देख सकते हो कि ये जो मेरी सबसे पहली वाली पेंसिल थी उसमें किधर डार्क आ रहा है, किधर लाइट आ रहा है, तो उसे धब्बे बन रहे उसमें। पर अगर हम देखने जाए अगर कैमलिन के उसमें, तो कैमलिन ज़्यादा डार्क नहीं आएगी, पर मतलब सब पूरा एक इक्वल रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। आर्ट लाइन यूज़ करते हैं, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस। इसमें थोड़ा स्मूथ फील हो रहा है मुझे कैमलिन के कंपेरिजन में, थोड़ा एकदम स्लाइट, इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरी जो सबसे पुरानी वाली पेंसिल थी उसमें 10B नहीं थी, और कैमलिन की जो 6B पेंसिल है वो खाली हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, तो उसके वीकेंड प्लेस छोड़ दिया है। आर्ट लाइन पेंसिल्स का जो रेट है वो 70 rupees होता है, और कैमलिन का 50 rupees रहता है, तो और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा मुझे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कैमलिन के ऊपर से जाओ। तो अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि कौन सा पेपर बेहतर रहेगा। तो जो लेफ्ट साइड में जो पेपर है वो नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर है, और राइट साइड में जो 130 GSM का पेपर है, और जो बॉटम है वो ब्लू स्ट्रो का 200 GSM। तो देख सकते हो आप कि सबसे ज़्यादा स्मूथ हमें टेक्सचर इसमें नॉर्मल पेपर पे मिल रहा है, पर वो काफ़ी पतला पेपर रहता है तो फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मेरे पास आपके लिए 3 रिकमेंडेशन है, जो कि अगर आपको
स्मूथ एंड रफ दोनों चाहिए तो आप 130 जीएसएम का कोई भी ले सकते हो, और आपको एकदम स्मूथ चाहिए तो फिर आप आइवरी पेपर के साथ जा सकते हो। मुझे भी लेना था वो, पर मुझे मिला नहीं वो। और अगर आपको थोड़ा रफ चाहिए तो ब्रूस्ट्रो का 200 जीएसएम ले सकते हो। अब ये जो चीज़ है वो इंटेंडिंग स्टाइलस है जो मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, वो तो मैं कंपेयर नहीं करूँगा किसी साथ, आपको बस खाली अनबॉक्सिंग और रिव्यू देगा। तो आप देख सकते हो इसकी अनबॉक्सिंग तो काफ़ी स्वीट एंड सिंपल है, और रिव्यू मैं देता हूँ अभी। तो अभी तो मैं सबसे पहले ये एकदम जो पतला वाला स्टाइलस है वो यूज़ किया हूँ, और मैंने एकदम लाइटली प्रेशर दिया पेंसिल को, जो आपको इतना वीडियो में नहीं दिखेगा अच्छे से, तो भी मैं एक बार आपको क्लोजअप दिखा दूंगा लास्ट से। अगर आपको दिख रहा होगा तो थोड़ा थोड़ा लाइंस छोटे, मीडियम थोड़ा सा मीडियम है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा आपको दिख रहा है, अभी एकदम बड़ा वाला साइज का मैं यूज करूंगा। ये जो मैक्सिमम साइज का है इसमें आपको काफी अच्छे से दिख जाएगा। और इसका जो यूज होता है मैं आपको बताता हूँ, यूज इसके अगर आपको हेड्स में जो हाईलाइट रहेगा उधर आपको कुछ भी नहीं, थोड़ा भी ब्लैक नहीं चाहिए तो आप इसका अप्लाई कर सकते हो। देख लूंगा अभी क्लोजअप में, अभी आपको पता चलेगा, अभी क्लियरली दिख रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इंटेंडिंग स्टाइलस लो। और ये जो चीज़ है वो ब्लेंडिंग शैम्स है, आप देख सकते हो इसकी अनबॉक्सिंग एकदम इजी थी, स्वीट एंड सिंपल थी। और इसको मैं अपने पुराने ब्लेंडिंग शैम्स से कंपेयर करूंगा, वो भी मैंने जो किट लिया था पेंसिल्स वाला उसी के साथ आया था, तो मुझे लगता है ये इसमें भी ब्लेंडिंग शैम्स थोड़े अच्छे रह गए। दोनों एक ही पेंसिल से स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। तो अब हम ब्लेंड करके देख लेते हैं दोनों से। पहले मैं ये से राइट साइड में जो यूज़ कर रहा हूँ नए वाले से कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी प्रेशर का अप्लाई नहीं कर रहा ज़्यादा, नॉर्मली कर रहा हूँ। मैं अभी पुराना वाला यूज कर लेता हूँ, क्लीन ही साइड यूज किया मैंने। तो अभी आप इसके एंड रिजल्ट्स देख सकते हो, इसमें जो मैंने पुराना वाला यूज किया उसमें थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स दिख रहे हैं, पर नए वाले में नहीं दिख रहे, लाइंस दिख रहे हैं पुराने वाले में। तो अब टेस्ट कर लेते हैं जो मेरा पुराना वाला नीडी रेजर था और नया वाला। पुराना वाला काफी सूख गया है, तो उसके मतलब उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, बस खाली वो सूख गया था। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है और अच्छा है। इसमें देखिए मुझे बहुत सारा प्रेशर लगाना पड़ रहा है तभी जाके थोड़ा इरेज हो रहा है, और इरेजर का काम ये होता है कि पूरा इरेज ना करें, बस खाली उसका थोड़ा शेड जो रहता है वो थोड़ा लाइट कर दे। और इसमें देख सकते आप इतनी आसानी से मेरा वो हो जा रहा है। और हाँ, आपको ये इन सभी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप डायरेक्टली जाके आपसे चेकआउट कर सकते हो। अब लास्ट जो चीज़ बची हमारी है वो है फिक्सेटिव स्प्रे, बट वो भी मैं आपको अगली वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और भी बहुत लंबी हो जाएगी। फिर यहाँ तक आपने देख ही लिया है तो थैंक यू सो मच, एंड लाइक दब बताना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।